सालार धीरे धीरे पिक पकड़ रही है लेकिन हिंदी लैंग्वेज से अभी भी निराश कर रही है। सालार के बारे में बात करेंगे, डे नंबर 4 का एडवांस बुकिंग प्लस अर्लिस्टमेंट और तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी, संडे के दिन की जो ऑक्यूपेंसी रही सभी लैंग्वेज में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डे नंबर 3 की ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। डे नंबर 3 की ऑक्यूपेंसी तेलुगु लैंग्वेज में 73.64%, मलयालम लैंग्वेज में 38.37%, तमिल में 31.88%, कन्नड़ा में 65.01% और हिंदी में 48.27%। हिंदी लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी सैटरडे से थोड़ी ज़्यादा रही। अब डे नंबर 4 का एडवांस बुकिंग और उसके बाद अर्ली एस्टिमेट। डे नंबर 4 का एडवांस बुकिंग, ये रिपोर्ट है 24 दिसंबर रात 9 बजे तक की। तेलुगु लैंग्वेज से 7.5 करोड़, वहाँ पर 4749 शो है। मलयालम लैंग्वेज से 17 लाख का 798 शो है। तमिल से 54 लाख का 1672 शो है। कन्नड़ा में 21 लाख का 283 शो है और हिंदी लैंग्वेज में 2.24 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है, वहां पर 7000 शो है। अब तेलुगु आईमैक्स के शो की बात करें तो 31 तेलुगु आईमैक्स के शो है, वहां पर 5.5 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और हिंदी लैंग्वेज में 3.5 लाख की एडवांस बुकिंग हिंदी आईमैक्स में हो चुकी है और 37 शो है। अब दोस्तों टोटल बात की जाए तो टोटल 10.80 करोड़ रुपए का जो एडवांस बुकिंग है वो सालार का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। 14,000 शो है। अब सालार का जो अर्ली एस्टिमेट अगर निकाले, यानी कि इसका डे नंबर 3 का संडे का अर्ली एस्टिमेट निकाले तो इंडिया का नेट 65 करोड़ के बीच ये नंबर आएगा। सभी लैंग्वेज का, सभी फॉर्मेट का मिलाकर सालार का तीसरे दिन का यानी कि संडे का 61 से लेकर 65 करोड़ के बीच ये कलेक्शन का अभी अर्ली एस्टिमेट आया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।